दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सांप का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में डर आ जाता है, और वहीं दुनिया में बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनसे प्यार होता है और वो रेंगने वाले इन जीवों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। हर जीव जंतु की तरह सांपों की भी कई प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें जहरीले से लेकर जानलेवा और छोटे से लेकर लंबे सांप शामिल हैं। दोस्तों, आज हम आपको सांपों की एक ऐसी दुनिया की सैर करवाते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर एक, इनलैंड टाइपन सांप की। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला इनलैंड टाइपन नाम का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, और दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके जहर की एक बूंद इतनी जहरीली होती है कि एक बार में 100 लोग मौत की नींद सो सकते हैं। इस सांप का जहर सीधे शरीर की तंत्रिका, मांसपेशी और खून पर असर करता है, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट में शख्स की मौत हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर दो, एक्सकारेनाइट्स की। एक्सकारेनाइट नाम के सांप की वजह से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। इस सांप के जहर से 10 में से एक शख्स की मौत होती है, और वो भी उसकी जिसका इलाज नहीं हो पाता। यह सांप काटता ज़्यादा है, इसी वजह से लोग इसका शिकार ज़्यादा बनते हैं। ये मुख्य रूप से जंगल झाड़ियों और मानव बस्तियों में मिलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर तीन, ग्रीन एनाकोंडा की। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला यह सांप अंधेरे और गहरे पानी में मिलता है। मजबूत मांसपेशियों वाले ये सांप अपने शिकार को जिंदा निगल लेते हैं। इनकी मजबूत पकड़ से कुछ मिनटों में शिकार दम तोड़ देता है। इस सांप की लंबाई 29 फुट तक होती है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर चार, बारबाडोस की। बारबाडोस नाम का सांप धागे जितना बड़ा होता है। इस सांप की लंबाई 10 सेंटीमीटर तक होती है, और वही एक नूडल जितना मोटा होता है। दोस्तों, इस सांप को 2008 में कैरेबिया के द्वीप बारबाडोस में ढूंढा गया था, जिसकी वजह से इसका नाम बारबाडोस रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर पाँच, गाबोन वाइपर की। गाबोन वाइपर नाम का सांप अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं। यह सांप अपने शिकार को धोखा देने के लिए अपना रूप बदलकर सूखे पत्ते जैसा कर देता है। इस सांप के दांत सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। इसकी लंबाई केवल 5 सेंटीमीटर की होती है, और यह सांप दूसरों को बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर छः, किंग स्नेक की। किंग स्नेक नाम के सांप चालाक तो बहुत होते हैं, लेकिन वही यह बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। अपनी इस कमजोरी के बारे में यह किसी को पता नहीं चलने देते, और खतरे के समय खुद को दूसरे जहरीले सांपों की तरह बना लेते हैं, ताकि वो इन्हें खतरनाक समझकर दूर रहें। दोस्तों, बात करते हैं नंबर सात, वाटर मिलर सांप की। दोस्तों, आपने बहुत से सांपों को पानी में देखा होगा। इन सांपों की लंबाई 3 मीटर तक होती है, लेकिन पानी में रहने वाले ज़्यादा सांपों की लंबाई 1.5 मीटर होती है। खाना पचाने और अंडे देने के लिए अक्सर जमीन का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर आठ, फ्लाई वाइपर की। दोस्तों, इस सांप के पंख नहीं होते, लेकिन फिर भी इसे उड़ने वाला सांप कहा जाता है। इसकी वजह है सांप का खुद को इस तरह फैलाकर धक्का देना, जिसकी वजह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चला जाता है, जिसकी वजह से इसे यह नाम दिया गया है। दोस्तों, यह सांप पेड़ों के बीच 30 मीटर तक छलांग लगा सकता है। छिपकली चूहे, चिड़िया, चमगादड़ इस सांप का भोजन है। यह सांप इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाता है। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक सांप कौन सा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी दोनों ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।